भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को अपना 31वां जन्मदिन भूटान में अपनी पत्नी के साथ मनाया और दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिली। क्रिकेट जगत से मिली बधाइयों के बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह द्वारा विराट को दी गई बधाई अचानक सुर्खियों में आ गई। दरअसल युवराज ने अपने ही अंदाज में विराट को बधाई दी, लेकिन फैंस इसे बधाई कम और ताना ज्यादा मान रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली ने मंगलवार को अपना 31 जन्मदिन मनाया। यूवी ने भी विराट को बधाई दी, लेकिन उनके बधाई देने का अंदाज विराट के फैंस को पसंद नहीं आया। फैंस इसे ताना मान रहे हैं। बता दें कि युवराज ने बधाई के तौर पर विराट के साथ वाली अपनी दो पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने विराट के साथ बिताए पुराने समय को याद करते हुए लिखा, ये भी क्या दिन थे और एक आज का दिन, जहां भी हो खुश रहो, ईश्वर आपका भला करे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बता दें कि युवराज ने इस साल जून में क्रिकेट से संन्यास लिया था। उस समय युवराज काफी दुखी नजर आए थे। पिछले दिनों भी वो अलग अलग बयानों से चर्चा में रहे हैं। यूवी ने चयनकर्ताओं बीसीसीआई से लेकर अप्रोक्ष कप्तान से विराट कोहली, रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट को भी आड़े हाथों लिया था। अब युवराज ने विराट को जन्मदिन के मौके पर इस तरह का ट्वीट किया। यूवी ने हालांकि ये खुलासा नहीं किया कि वो इस तरह के बिंदास ट्वीट पर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ट्वीट फैंस को रास नहीं आया। युवराज ने जैसे ही ट्वीट किया वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गए। कई यूजर्स ने ये तक लिख दिया कि युवराज सिंह के इस ट्वीट में बधाई तो नहीं दिख रही, लेकिन उससे ज्यादा दुख दिख रहा है। साथ ही कुछ ने लिखा कि आखिर यूवी इस तरह से बधाई देकर क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये बधाई तो नहीं लग रही। बता दें कि विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ चल रही T20 सीरीज से ब्रेक लिया हुआ है। फिलहाल वो पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान में है। वो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट 14 से 18 नवंबर तक इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन अगर युवराज का ये ताना ही माना जाए तो युवराज सिंह को बाहर करने में भी विराट कोहली और रवि शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ था। इन फॉर्म होने के बावजूद युवराज का चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से पत्ता कट गया था, जिसकी कमी साफ 2019 विश्व कप में देखने को मिली, जब भारत नंबर 4 और नंबर 6 के विकल्प को भेद ही नहीं पाई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।